वो कहते हैं ना ऐसे टेलीकॉम कैन चेंज योर लाइफ बिल्कुल ज्वाइन करो ऐसा टेलीकॉम और चेंज योर लाइफ थैंक यू वेरी मच हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा फितूर जिद है मेरा कुरूर। है मेरी हाँ माई यू डू फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग आई होप क्या बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है देविद्रागोड़ा आप देख रहे हैं ऐसे डेलीकॉम आपका चैनल दोस्तों ये है आपका चैनल तो क्यों नहीं सब्सक्राइब कर देते सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो में ये स्टैक के बारे में बताऊँगा बहुत पहले ही बता देना चाहता था बट क्योंकि क्लासेस चल रही थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था सच बताइए टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत होती है और पूरे दिन भर क्लासेस में चला जाता है उसके बाद में रात में आकर थोड़ा बहुत अपना भी काम कर लेते हैं उसके बाद तब जाके यार ये टाइम मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया तो दोस्तों ये वीडियो में ना बहुत कुछ बताया यार मैंने ये भी ये भी बताया कैसे डाउनलोड करें अपने डाउनलोडिंग करना है कहीं मत जाना नीचे लिंक दी है वहां से डाउनलोड कर लेना ठीक है नीचे लिंक दी है क्लिक करना डायरेक्ट आपको मेगा की जो लिंक है वो क्लिक हो जाएगी और आप वहां से डाउनलोड कर लेना और दोस्तों ये भी है अगर डाउनलोड नहीं हो रही हो तो कमेंट कर देना मैं लिंक फिर से अपडेट कर दूंगा वो लिंक का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार वो एक लिंक पे भारी मात्रा में अगर डाउनलोडिंग हो जाए तो लिंक क्रैश हो जाती है तो इस वजह से मैं लिंक फिर से बना दूंगा उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है अब बात यह है कि क्या यह टूल हमें लेना चाहिए अब बात यह है क्या ये इस टूल पर हमें डिपेंड होना चाहिए क्या बोर्नियो बेकार हो चुका है क्या बेकार हो चुका है क्या यह टूल अब सब कुछ बन चुका है यह वीडियो मैं बताना चाहता हूं एक एक्सपर्ट की राय एक एक्सपर्ट का व्यू एक एक्सपर्ट का नजरिया क्या आपके पास बोर्डियो है तो क्या आपको यह डाउनलोड करना चाहिए क्या यह टूल किन लोगों के लिए फायदेमंद है किन लोगों के लिए नहीं है तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को कंप्लीटली तौर पे देखिए क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है भाई और मैंने टूल का सेटअप बना के रख लिया है आज आपके सामने इसको इंस्टॉल करता हूँ और इसको कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ इसको बता सको और आपको बहुत फ़ायदा हो तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आप जैसे ही एस टैक को डाउनलोड करेंगे इस तरह का कुछ सेटअप आप आपको देखने को मिलेगा तो आप जैसे इसको डबल टिक करेंगे तो ये सेटअप आप आपको क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे फिर से मांग रहा है तो मैं यस कर दूंगा यहाँ पर वो न्यू वर्जन मांगता रहता है अमेजर की न्यू वर्जन आया न्यू वर्जन आया पर बेसिकली अभी इसका एक ही वर्जन आया है और वही डाउनलोड हो रहा है हाँ हो सकता है कि अपडेट हो जाए सो देखिए इस तरह का कुछ सेटअप का आएगा जैसे कि आमतौर पर हर हाँ सेटअप आता है कि कलेक्टिंग प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेश आपसे डायरेक्टरी मांगेगा कहाँ इंस्टॉल करना है हो सकता है ये लॉन्चिंग मांगे या हो सकता है ये डेस्कटॉप पे सेट आपका आइकन डालने के लिए बोले सो so, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी क्योंकि मेरे में है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ पहले और रिमूव क्या क्योंकि रिमूव कर दूंगा तो मेरे को फिर से पासवर्ड आई ये सब डालनी पड़ेगी तो मैं एक बार है ना इसको रिमूव क्या इसको मॉडिफाई कर देता हूँ मॉडिफाई करके बता देता हूँ कि जैसे आप करेंगे इंस्टॉल तो ये आपका नॉर्मली इंस्टॉल ही होगा जैसे अभी देखिए मेरे में डायरेक्टरी सी मांग रहा था तो मैंने सी दे दी मैंने इसको कर दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कंप्यूटर में डायरेक्टरी सी मांगेगा आपने डबल टिक करके ना है और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा देखिए मेरे में इंस्टॉल हो चुका है फिनिश मांग रहा है तो मैं फिनिश कर देता हूं अब आप देखिए आइकन आ चुका है इस तरह का आइकन आपके पास में आ जाएगा एक ग्लोब जैसा आइकन बना बना रहेगा अब जैसे मैं इसको डबल टिक करूंगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये विदाउट इंटरनेट नहीं चलता है मैंने इसको चला लिया है इसको चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है अगर आप इंटरनेट बंद करके इसको चलाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा ये होस्ट मांगेगा सो देखिए आप इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ई मेल आई डी हो यहाँ पर पासवर्ड डाला होगा रिमेंबर में टिक करके आप ताकि बात नेक्स्ट टाइम आप उसको डालने की जरूरत ना हो और अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आप चेंज फोरगेट पासवर्ड कर सकते हैं साइन इन करेंगे बट सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि आप रजिस्टर है कि नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको रजिस्टर में टिक करना पड़ेगा अब आपको क्या डालना है दोस्तों डालिए जैसे आपका नाम रॉकी है तो आप डालेंगे और फोर फोर ऐसा कुछ यूजर नेम बना लीजिए ईमेल आईडी जो भी आपकी है जैसे रॉकी फोर फोर फाइव एट द रेट जीमेल डॉट कॉम बना लिया ठीक है आप पासवर्ड जो भी आप डालना चाहें उस कारण भी डालना जो जी मेल का जो आप बनाना चाहें उसके बाद में रजिस्टर कर लेना क्योंकि मेरे में ऑलरेडी रजिस्टर है और जब भी लॉग इन करें तो एक बार चेक अपडेट में कर लेना तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अभी तो ये अपडेटेड है हो सकता है नया वर्जन आ जाए तो रजिस्टर में टिक हमें नहीं करना है क्योंकि हम कर चुके हैं हम साइनिंग में टिक करेंगे अब ये आपका ओपन होगा और दोस्तों अगर ये कुछ एरर आ रहे हैं तो उसको फिर से रीइंस्टॉल करना कोई दिक्कत नहीं है घबराना नहीं यहां पर डायरेक्टरी या किसी भी प्रकार की डीएलएल फाइल का कोई भी एरर आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आया भी तो री कर लेना और री के टाइम पे दोस्तों जब वो मांगे ना मॉडिफाई रिपेयर तो रिपेयर में टिक करना रिपेयर में सो so, आप देखिए कि वी वैल्यू ऑफ प्राइवेसी ओके एक्सेप्ट है और इसका जो इंटरफेस आप दिखाई दे रहा है वो इंटरफेस बेसिकली है ना जैसा नॉर्मल वेबसाइट का इंटरफेस होता है वही डाला है पिटकमा फेक्स ने भी ये क्या 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 किया यही किया है बोर्ड उन्होंने अपना पर इंटरफेस अलग चेंज किया हुआ है सो so, अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि मैंने क्या अपडेट दी है क्योंकि अभी तक देखा जाए तो फर्स्ट टाइम है अपडेट इन्होंने कुछ नहीं दिए हैं सेकेंड जब ये अपडेट बनाएंगे वर्जन निकालेंगे तो हो सकता है यहाँ पर एक अपडेट लिस्ट भी ये डालें जैसे कि आप यहाँ पर होम लिस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको चार बटन देखने को मिलेंगे एक दो तीन चार और ये खुलता है इसमें कुछ भी नहीं खुलता है और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे आपको कलर्स आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे अगर मैं विंडो 10 में टिक करूँ सो तो ये क्या होगा ये सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं है तो जो सबसे बेस्ट कलर है वो मैंने ब्लू बेल लगा लिया है और यही मेरे को सबसे अच्छा लगता है क्योंकि आँखों को थोड़ा सा ये मतलब नॉर्मल कलर है लाइट वेट कलर है अगर मैं बात करूँ तो अब देखो इसमें आपको क्या मिलेगा आप देखिए तो यहाँ पे है ना आपको शॉपिंग देखने को मिल रही है तो हो सकता है ये आगे जाके के परचेबल परचेसेबल हो जाए ठीक है सो so ये सारी चीज़ें और यहाँ पर आई बटन आपको देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ से इसकी इन्फॉमेसन देख सकते हैं कि मैंने कब रजिस्टर किया क्या मेरी ई मेल है और मेरे को तीन डे बता रहा है थ्री डेज मेरे पास फ्री है भाई क्या बात है थैंक यू वेरी मच और ये अच्छा लगता है कि जब कोई फ्री मिलता है पर फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती हालांकि हो सकता है वैल्यूबल हो मैं ये वे नहीं कह रहा कि वैल्यूबल नहीं है हो सकता है ये वैल्यूबल हो तो भैया ये जाएगा नहीं चला गया है अब यहाँ पर यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो पता नहीं क्या खुला है अभी तो कुछ खुला नहीं है अच्छा ये ऊपर नीचे हो रहा है और ये इनकी टीम है सो अहमद जेन्यूम और वेंड्रा और वायु बायू, बायू मोत्री जो इनके प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने बेचारे अपने बच्चे की फ़ोटो लगा दी है आप देख सकते हैं डेवलपर है तो ये पूरी टीम है और यहाँ पर इन टीम ने ये मिलकर बनाया है आप चाहे इनको विजिट कर सकते हैं इनके फेसबुक से इनके ट्विटर से इनसे इंस्टाग्राम या आप देखें इनके यूट्यूब चैनल है पर देखा जाए तो दोस्तों इस पर कुछ भी नहीं डाला ये बिल्कुल आप ये देखो ब्लैंक हो गए सब कुछ पे एक ही एक चीज़ है सो अभी फिलहाल क्योंकि अपडेटेड नहीं है ठीक है अब छोड़ो ये हमारे किसी काम का तो नहीं हमारे काम है मोबाइल रिपेयरिंग की चीज़ है कि हमें वही चाहिए सो हम देखेंगे सबसे पहले टैब में ना स्मार्ट गाइडलाइन में आपको लेनवो ओप्पो रियलमी सैमसंग और और वेटिंग लिस्ट मतलब कुछ ऐसे फ़ोन जो ये डालने वाले हैं सो so अगर ये तो ये खुल नहीं रहे ये तो बात की बात है अगर मैं ये वेटिंग लिस्ट की बात करूँ तो देखो ये खुल नहीं रहे क्योंकि वेटिंग लिस्ट में मतलब ये अपलोड नहीं हुए हैं ये कह रहे हैं ये अपलोड होंगे सैमसंग में तो देखो कोई भी मॉडल नहीं है ये तो ना ये तो बेकार मॉडल है ये तो आते भी नहीं है और अगर मैं सा Realme की बात करूँ तो दो, दो मॉडल डले हैं जो कि रियलमी थ्री और सी है ठीक है दो मॉडल से तो काम चला सकते हैं फ्री में तो क्या है फ्री में तो यही और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओप्पो में भी सिर्फ दो मॉडल हैं जिसमें मैं ए थ्री एक रनिंग मॉडल है एफ तो एक रनिंग मॉडल भी नहीं है और लेंवो का दोस्तों तो बेकार है और सौमी में एक ही मॉडल डला हुआ है पर ये है क्या ये है हार्डवेयर सोल्यूशन हाँ जैसा बूर्णियों देता था ना हार्डवेयर सोल्यूशन लाइने कहाँ देता है लाइनों पर जानकारी दे देता है जैसे मैंने यहाँ पर ऑडियो की लाइन खोल ली है क्या चार्जर की लाइन खोल ली है तो मुझे यहाँ पे बी बी बस की लाइन थरम की लाइन डी पी डीएम की लाइन ये सारी लाइन यहाँ पे इंफॉमेसन दे देगा सो बैट की लाइन दे देगा यहाँ पर ये मेरी आपकी DC DC है आपकी डी सी टू डी सी प्लस चार्जिंग ऐसी है जहाँ से ये यू देख आप देख सकते हैं यू एस बी इन हो रहा है यहाँ पे स्विचिंग की लाइन है ये स्विचिंग हो रही है ये आपका बक कॉयल लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वी पी एच निकल रहा है ये बी बैड निकल रहा है और पे ओम्स के रजिस्टर के साथ डीपीडीएम की लाइन बना दी गई है और ये सिंगल पावर आईसी का सर्किट है मतलब यहां पर जो डीपीडीएम है वो आपका बेसिकली यहां सीपीयू में जाएगा ये देखिए सीपीयू में जा रहा है यहां पर ठीक है तो और इसमें क्या है इसमें और देखा जाए तो यही सारी है टच की लाइन है टच की लाइन को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो टच तो की लाइन में क्या होता है यार टच की लाइन में क्या होता है टच हाँ टच की लाइन में होता है आई टू सी लाइन टच की लाइन में होता है आई एन टी टच की लाइन में होता है रिसेट या पॉन पॉन वी डी डी टू पॉइंट एट या वन पॉइंट एट वोल्टेज वी आई की सप्लाई तो देखते हैं ये सारी ला देखो सारी लाइन डी हुई है ऐसा नहीं है कोई लाइन छोड़ी है वी जी भी बताया है कि कौन सा एल से निकल के आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आई जो एल डी है उससे निकल के दो पावर आप, आपको मिल रही है टू पॉइंट और जो आपके पैलर कैपेसिटर में जिसमें पर 1.8 वोल्टेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टर जीरो उमस का लगाया हुआ है जो कि रजिस्टर ओपन हो जाए तो आपका टच चलना क्या हो जाएगा बंद सो so, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी लाइनों की जानकारी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे प्रोटोकॉल हैं वो हमारे बाकायदा जहाँ सी के अंदर जा रहे हैं जिसको आई प्रोटोकॉल कहते हैं सो so, इंटर, इंटर इंडिकेटेज कनेक्टेड या इंटर क्या बोलते हैं इंटर, इंटर इंडिकेटेड कनेक्टेड नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 इंटर आई आई, आई सी आई टू सी न आई आई सी सो इंटर इंटर इंटिकेटेड सर्किट राइट इंटर इंडिकेटेड सर्किट तो बहुत कुछ बोलते हैं इनको डबल आई सी सर्किट भी कहते हैं आई टू सी सर्किट भी कहते हैं यार प्रोटोकॉल है ये सब समझना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं एस प्रोटोकॉल जेटेक प्रोटोकॉल मेपी प्रोटोकॉल यू प्रोटोकॉल और पता नहीं और भी तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं यार पर यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो और उसके लिए एसर टेलीकॉम ये सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएगा एसर टेलीकॉम सिखाएगा है इसीलिए आओ लाइव वॉचिंग करो यार हमारी क्लासेस को फेसबुक में जाओ हमारी क्लासेस को लाइव वॉच करो और उसके बाद अगले दिन कॉल करो कि सर मुझे आना है सीट बुक कराओ और ज़िंदगी भर के लिए हमारा हाथ पकड़ के रख लो ताकि हम आपको छोड़ें नहीं है ना क्योंकि आप एक महीने में नहीं सीखोगे आप 10 दिन में नहीं सीखोगे आप बीस दिन में आप पूरे आपको पूरा ज़िंदगी लगेगी सीखने में पर इतना काबिल कर देंगे कि पैसा कमाना ज़रूर चालू कर दोगे है ना तो बहुत सारे काम जो हम छूटते हैं सी और एम एम सी पर हैं बहुत सारे काम है फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती है डाइट डायग्नोस करना नहीं आता तो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे ना क्यों घबरा रहे हो है। हम हैं ना तुम्हारे लिए यहाँ पर दूसरे टैब में हम बात करेंगे स्कोमैटिक मिलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा हमारे किसी काम का नहीं औसोस ना के बराबर आते हैं हु आते हैं ठीक है कम आते हैं अब जैसे मान लो आप ये आता है सो इसकी पीसीबी भी मैंने टिक किया अब आप देखेंगे ऊपर है ना मेरे तो को टैब भी दिखाई दे रहे हैं तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि टैब दिखाई दे रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे पी सी दिखाई दे रही है तो यार इसका डायग्राम क्या होगा क्या मुझे अलग से खोलना पड़ेगा नहीं आप क्या करेंगे इसको पीडीएफ में टिक कर देंगे ना तो पार्लर में नहीं ये खुल जाएगा तो दोस्तों ये है आपको पीसीबी जैसे आपने खोला जैसे ही मैंने बोला है कि पीडीएफ में टिक करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा एक पैलर साइड में इसका डायग्राम अब देखिए जैसे डायग्राम को हम क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं मान लीजिए जैसे कैपेसिटर है अब जैसे मैं उसे डबल टिक करूँगा सो तो आप इसमें एक बक्स है ये है ये फोल्ड मान लो या तो ये चीज़ जो इसमें नहीं है कि हम इसमें ऑटो सेलेक्ट नहीं है जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा हो सकता है ये अपडेट में आ जाए बट यहाँ पर ये सेलेक्ट हो रहा है हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर मैंने ढूंढ

और हम देखें हमारे क्या क्या डायग्राम हमारे काम के हैं सो so, आईफोन हमारे काम का भी हो सकता है आईफोन अगर आपके पास आ जैसे आईफोन एक्स कॉल कम की बात करेंगे सो so, आप देखें कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा आ... स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा सो ऐसे बोर्ड भी आपको मिलेंगे जिसमें आपके कॉम्पडेंट पे कोई भी आपको सीरियल नंबर या कुछ भी कॉम्पिडेंट नंबर नहीं है तो so, ऐसे टाइम पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम नीचे जाएंगे तो आपको देखिए वो कॉम्पडेंट नंबर भी आपको देखने मिल जाएंगे बट अभी यहाँ पर हम बात करते हैं पी की सो so, पी में टिक करेंगे और पी में टिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अब जैसे सपोज ये मानते हैं ये कॉल ये कॉयल कहाँ का है सो so, हम क्या करेंगे जैसे इसको डबल टिक करेंगे ना सो so, देखिए डबल टिक करने पर अभी तो फिलहाल ये कोई सेलेक्ट हो नहीं रहा है सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और डायरेक्ट मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ एल टू सेवन जीरो बिल्कुल मिल गया है मुझे एक so, ये सो, वन का है और थ्री पॉइंट सिक्स एमपियर पर ये मतलब बेसिकली इतने तक ये झेल रहा है और ट्वेंटी परसेंट इसका डाउन है इतना हम चेक करने के बाद हम इसको चेक करेंगे तो वन माइक्रो हेनरी के ट्वेंटी परसेंट ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है ये लगा है हमारी बक लाइन पर और ये जा रहा है जी की लाइन पर मतलब बेसिकली अगर मैं इस पर जिया चेक करूँ तो मुझे जिया लो मिलेगा जब अगर पंद्रह बीस पच्चीस ऐसा कुछ या पचास पैंतीस या पैंतालीस क्योंकि यार इस पर भीपाई की कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर है ना इसके बीप बजाएंगे मेरे भाई तो कहीं ऐसा ना सोच लेना है कि एक शॉर्ट हो गया ये सारी चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी और कौन सी खाएगा ए सर टेलीकॉम मैं सिखाऊंगा आपको आइएगा जरूर मेरे पास तो ये इसका सर्किट है सी के पास देख रहे हैं अब सपोज मान लो ये आई कौन सी है सो तो हम ये आई को यहाँ पर सर्च करेंगे यू एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक चार्जर आईसी है जैसे एम का सर्किट है स्विचिंग सर्किट है बूट है एल लाइन बी बस इन हो रहा है तो ये यह आपको यहाँ पर चार्जर आईसी का सर्किट देखने को मिल रहा है हाँ पौने छ तक दे दे तो तो हाँ ठीक है चलो हाँ भेजता हूँ हाँ ठीक है ओके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैट की लाइन बैट सेंस लाइन यहाँ पर सिस्टम अलाइव, वीबस एन थर्मल की लाइन तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पर आपको देखेंगे ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी मतलब ये एक ट्रिस्ट्राइसी है जो कि यूट्यूबाइजी इग्नेबल सिग्नल लेती है और आपको आउटपुट देती है और यहाँ पर जो लगे हुए इस आई पर लगे हुए ज्यादातर मैं आपको एक सलूशन भी बताता हूँ आईफोन एक्स में अगर आपको है ना चार्जिंग का फॉल्ट आए और चार्जिंग हो के जा रहा हो या फिर छोड़ रहा हो तो आपने नहीं ये दो कॉयलों को उठाकर इसको फिर से नया कॉइल लगा देना सो so, ये कॉइल है एल एल डबल थ्री ये एक बक कॉल लगे हुए हैं चार्जिंग के दो बक कॉल लगा दिए इन्होंने यहाँ पर डबल थ्री फोर जीरो सो so, ये देखिए एक बक क्वाल है फोर पॉइंट फोर सेवन माइक्रोहरी का और एक के जिस बगल में है ये दोनों बर्फ वॉल एक सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं सीरीज लाइन में लगे हुए हैं जो कि हमारी वी डी मेन के साथ जुड़े मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे चार वोल्टेज देखने को मिलेगा तो और इसके साथ Q3350 दोस्तों ये क्या लगी हुई है ये एक मॉसपैड एक डीसी टू डी एक प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है जो कि यहाँ पर एक क्यू के साथ में लगा हुआ है आप चाहें हालांकि इसको बाईपास नहीं करते हैं बट आप चाहें तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं बट बाईपास करेंगे तो वही वाला काम हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा हो सर तो डायरेक्टली आपके आई पर भी असर जा सकता है और ये ज़्यादा एमपेयर या ऑटो एमपियर चार्ज भी ले सकता है सो तो ये आई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेट में तो ये तो ठीक है यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएगा एल के तो फोन्स आते ही नहीं है मार्केट में फिर भी अगर आए तो आप इसमें ये सब पुराने मॉडल्स हैं मेजू के फ़ोन भी अभी आना बंद ही हो गए हैं मार्केट में वीवो के वीवो का डायग्राम मिलेगा मिलेगा नहीं अगर ये सोच रहे हो कि वीवो का डायग्राम मिलेगा तो पहली बार बता जाओ वीवो का डायग्राम नहीं होते हैं सर वीवो का डायग्राम नहीं होते हैं वीवो वाई टी वन वीवो वाई नहीं ये सब बेतनाम अरेबियन ये कोई और कंट्री के डायग्राम है हैं जैसे वीवो का वाई थ्री वाई थ्री ये खोलता हूँ इसको ये देखो तो ये कोई और कंट्री के फ़ोन हैं ये तो ये हमारे ये वीवो आपको ऐसा वीवो के डायग्राम नहीं है मेरे भाई ये कई और कंट्री के हैं जो हमारे नहीं है तो आपको खुश मत हो जाना कि वीवो के डायग्राम वीवो के डायग्राम तो सा में यार ये चीज़ बहुत कमाल की कर दी है कि इन्होंने सर्किट बहुत गजब के दे दिए हैं मतलब जो उठा के बोर्डनी से कॉपी कैट मारा है गजब मारा है यार गजब तो ये तो चीज़ आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्होंने सर्किट दिए हैं रेडमी नाइन की बात करेंगे पी में टिक करेंगे क्या बोला कि डायग्राम खुलना है तो पी में टिक करो ऊपर और उसके बाद में डायग्राम खुल जाएगा फिर आपने यहाँ पर जाना जूम करना डबल टिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा तो आपको यहाँ जाके कॉपी पेस्ट करना है और ये देखना है कि डायोड ये कौन सा डायोड है कहाँ लगा हुआ है सो तो ये एक ई एस जी तीन लैक वाला डायोड है और जो एक सिम कार्ड कनेक्शन में लगा हुआ है जो डाटा क्लॉक और डाटा डाटा और क्लॉक की लाइन के बीच में लगा हुआ है पैलर है और ग्राउंड के साथ में मतलब दो टी वी एस डायोड लगे हुए हैं खैर तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको मिल जाएगा बिट मैप तो इन्होंने भर भर के दे दिया है गरीबों को ये गरीबों के लिए क्या बोले गरीबों के लिए मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों अब सच बताओ कि मोबाइल रिपेयरिंग कर, कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो यार बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे तो कैसा चलेगा अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं, नहीं है बहुत सारी चीज़ें नहीं है आप इसमें हार्डवेयर सोल्यूसन नहीं है बहुत सारे मॉडल्स नहीं है अपडेटेड नहीं है सो फ्री में तो ख़ैर ठीक है आप यूज़ कर सकते हो पर अगर आप प्रोफेशनल हो आप दुकान चला रहे हो आप मोबाइल बना रहे हो अब सपोज आपको कोई मोबाइल आ गया अब मोबाइल का आपको डायग्राम इसमें नहीं मिल रहा तो क्या कहूँगा क्या कहूँगा मैं आपको कैसे चला रहे हो धंधा ऐसा नहीं होता है जब मोबाइल में फ़ोन करने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है वैसे ही बिजनेस में आने बिजनेस में काम करने के लिए पैसा डालना पड़ता है जो ये बोलता है कि थोड़ा काम करो उससे बहुत कमा लो फिर बहुत कमा लो तो मेरे भाई वो टाटा मानी बनने वाले टाइम ख़त्म हो चुका है अभी बिज़नेस में पैसा डालना पड़ेगा और बिज़नेस में पैसा नॉलेज से आता है बट ब्लस टूल्स ये टूल्स हैं आप समझो ये होना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ और जिसको नॉलेज नहीं है स्किल नहीं है वो तो यही बातें कहेगा ना कि इसकी ज़रूरत नहीं है भाई इससे इसके बिना भी आप ये कमा कर सकते हो कर, कमा सकते हो तो कमा कर दिखाओ ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है दिस इज़ द रियलिटी और यू कैन नॉट और दिस इज़ द रियलिटी दैट द पब्लिक आर नॉट दिस इज़ द रियलिटी एंड द पीपल आर नॉट एंड एंड दिस इज द रियलिटी दिस इज़ द ओरिजिनल फैक्ट आपको ये यू हैव टू फेस दिस ओरिजिनल फैट कि आपको यू हैव टू पुट द मनी ऑन योर बिजनेस आप समझो आपको लगाना पड़ेगा अब बिड मैप के लिए मैं बात करूँ जैसे वीवो का बिड मैप वीवो के बिड मैप भी भर भर के दे दिए हैं वीवो वी फिफ्टीन प्रो की बात करेंगे यहाँ पर तो आ, हमारे पर बिड मैप आप देखिए इस तरह के बिड मैप आ गए हमारे पास अब देखिए अब देखिए यहाँ पर है ना कोई आपको पी नहीं दिखाई दे रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वीवो के डायग्राम नहीं होते हैं सो यहाँ पर हाँ हालाँकि ये है कि ये कॉयल हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ये देखिए कनेक्शन बताता है ये खाली ये लाइनों का कनेक्शन बताता है ठीक है और अगर मैं यही वीवो के अलावा सैमसंग में देखिए तो सैमसंग में भी बहुत सारे डायग्राम है सो डैमसंग ए फिफ्टी अब देखते हैं ए फिफ्टी का डायग्राम है नहीं? कि नहीं क्योंकि हाँ यार ए फिफ्टी का डायग्राम तो है मार्केट में सो so, अगर हम इस पर देखो पी में टिक करेंगे तो देखो ए फिफ्टी का डायग्राम आ गया अब इसमें हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि अगर हम मान लो माने आ, ये माने कि ये आई कौन सी लगी है जिसमें हम ये वाली आईसी की बात करेंगे सो देखिए थोड़ा सा हैंग कर रहा है लैग कर रहा है हो सकता है मेरा सिस्टम भी कर रहा हो पर ऐसा मुझे लगता नहीं मेरा सिस्टम कर रहा होगा तो यहाँ पर डबल टेक करूँगा तो ये आई आ गई है यह आई सी मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये आई कौन सी आई होनी चाहिए एक कॉल तो देख लिया ओहो ये जो कोयल लगा हुआ है एक्स थ्री की लाइन पे लगा हुआ है और ये जो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है ये सिस्टम बी बैट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और एल एक्स थ्री मतलब ये हो गई एमओ एल डाई सी ये आपकी एमोल्ड आई सी हो गई दोस्तों एमोल्ड आई सी के साथ लगा हुआ है एस एम थ्री तीन पचास तीस दस अगर मैं इस आई सी को दिखाऊँ सो ये आई सी आपको ऐसा देख देखो आपको ऐसी लिंक आपको मिल जाएगी जो मैं आपको इसके नीचे दूंगा सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे एस एम तीस दस आई सो देखो ये आपको ये IC मिल जाएगी जो आपकी लगी हुई है पच्चीस बॉल की और यही पच्चीस बॉल की IC आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मैं तो इसका एक एक जीआर एक एक डाटा सीट एक एक वोल्टेज बताऊँगा क्लास में और मैं इसके आउटपुट वोल्टेज भी निकाल के दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज आउटपुट निकलता है और इसमें क्या क्या वोल्टेज हम इसको बना सकते हैं ऐसा चटवा दूँगा ना कि मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ये आई सी आएगी आप इसको मतलब मुझे ये लगता है कि पाँच मिनट के अंदर इसको डायग्नोस करके और जो भी बनाने का टाइम है फिर आई निकालना लगाना ये मानकर तो तो दस बीस मिनट का काम है इस सिर्फ दस बीस मिनट का काम है अब यह आईसी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टिक करेंगे अच्छा बहुत सारी आई सियाँ हैं देखो यहाँ पर भी एक आईसी लगी हुई है इसको टिक करेंगे सो यहाँ पर देखो एक आईसी निकल रही है जो पीएम मतलब पावर एम्पलीफायर मैनेजमेंट और उसके लिए निकल रही है एक आई पी मॉडुलेटर ये है पावर फोर जी पी -फो को देने वाली एक फोर पावर सेक्शन तो चौथा भी है पांचवा देखेंगे तो पीसीबी मल्टीमीटर है अब ये क्या है पीसीबी सो मैं आपको बता दूं ये नई चीज़ है इसमें लेयर्स दी हुई हैं पर लेयर्स अभी कुछ मॉडल्स में एक ही मॉडल्स है कुछ भी नहीं एक दो, दो तीन मॉडल है एक ही मॉडल है जी टी मास्टर पता नहीं कौन सा सेट है सो so, <laughs> रियलमी नोट टेन अब रियलमी बोल रहा है सॉरी साउमी का नोट टेन की बात करेंगे सो so, जी टी मास्टर होगा वही सेट यार पता नहीं हमारे तो फ़ोन आता है हम तो पी सी बी पर देखते हैं हम तो कभी मॉडल देखते नहीं कि मॉडल कौन सा है सो so, यहाँ पर क्या मैटर दिया हुआ है यहाँ पर मैटर दिया है आप लेयर की एक एक लेयर देख सकते हो पर मेरे भाई ये मैटर अभी हर फोन में नहीं है नहीं हर मॉडल में है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मुझे इसका कनेक्टर घिस गया है और इसकी बैट आइडिया बैट थर्म की लाइन घिस गई है तो मुझे इसकी लाइन को कहाँ ये तो ग्राउंड दिख रहा है इसे सो तो ये आ, मुझे कहाँ देना होगा सो मैं क्या करूँगा लेयर वन तो लेयर वन में देखो मुझे सरफेस लेयर मिल गई लेयर टू लेयर टू में देखो मुझे लेयर मिल गई सो लेयर वन लेयर टू में मैं इसको निकाल सकता हूँ बाकी इसकी लेयर इसमें नहीं है सो वैसे ही आप इसकी लेयर निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं इस आईसी के नीचे कितनी सारी लेयर गई हुई हैं अब आप देख सकते हैं कि अगर मान लो पत्रा निकालते समय यहाँ पर ये देखो नोटिस करना ये वाली बात बहुत लोग ये इसको बताते नहीं है अगर मान लो ये जो केन है यहाँ से निकालते हुए है ना ये देखो लेयर आठ तक कर देता हूँ वन और टू इसको निकालने में यहाँ पर तो कोई लेयर नहीं पर इसको निकालने में ये जो लेयर्स है ना ये लेयर्स निकल जाते हैं तो ये लेयर्स का काम खत्म हो जाता है जिसमें आपका फ़ोन आपका फ़ोन चालू होना बंद कर देता है नेटवर्क आना बंद हो जाता है पी सी गिरने की वजह से भाई हो सकता है नो सर्विस पे चले जाए हो सकता है वही सारी चीज़ें चेक कर रहे हो वोल्टेज नहीं बन रहे हो तो ये सब कुछ पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो so, दोस्तों कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर बताएगा जरूर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है और हाँ और आपको ये समझाने की कोशिश की है और अब बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं दोस्तों अगर आप ये प्रोफेशनल काम कर रहे हैं सो मेरे भाई आप जो प्रेगमाफिक्स है और जो बोर्नी है वो परचेस करें ये तो डाउनलोड करके रख लें और को चलाते रहे एंजॉय के लिए पर अगर आप लोग रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और घुसना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि सब कुछ क्या है तब ही आप ये इंस्टॉल करें और उसको चलाएं और अगर आप कहीं से सीख रहे हैं और आपका बिल्कुल इंस्टेंट पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल उसको डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं बट आप अगर दुकान में बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दो ढाई हजार रुपये खर्च करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और फ्री फोकट में दोस्तों कभी भी पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं प्लीज़ इसको समझो और ऐसा होता ये जो जितने भी भिखाड़ी होते हैं यही सबसे बड़े लखपति होते पर ऐसा नहीं है आप रियलिटी को फेस करो तो जो भिखारी होते हैं ना जो रोडों पे फीक मांगते हैं वो मतलब वो ही उसकी बात कर रहा हूँ वो सबसे बड़े लखपति होते पर ऐसा नहीं है सो so, ये उन लोगों के लिए है जिनका इंस्टेंटली पैसा नहीं है और जो दुकान में नहीं बैठे हैं और जो ये इसको ले सकते हैं और जो दुकान में बैठे हैं जिनको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है वो इनको ले सकते हैं इसको देख सकते हैं और जो सीख रहे हैं वो इसको ले सकते हैं पर अगर सीखने के बाद अगर दुकान में बैठे तो मेरे भाई इससे काम मत करना आपको काम करना है या तो बोर्नियो से या तो प्रेगमाफिक्स और ज़्यादातर जो बेस्ट है वो है बोर्नियो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा और आपको वीडियो के थ्रू हर चीज बताने की कोशिश की है आपको वीडियो के थ्रू हर चीज बताने की कोशिश की है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दो तो क्योंकि जो नॉलेज मैंने आपको दिया है वो नॉलेज आपके थ्रू किसी और को भी मिलना चाहिए और दोस्तों अगर आपको पढ़ना है और एक अच्छा मार्केट में आ, अच्छा आपको नाम का माना है और अच्छा टेक्नीशियन बनना है आप चाहते हैं कि फॉल्ट को समझ कर भेजें हो सकता है कि कोई आईसी की वजह से ना बने मैं समझता हो।, हो सकता है कोई बोर्ड डैमेज की बट पर, पर फॉल्ट को समझे आपको सी पी वी एम सी पे काम करना है आपको यू एफ आई पे काम करना है आपको सॉफ्टवेयर पे, पे काम करना है आपको फॉल्ट पेंटिंग करनी है आप चाहते हैं कि कोई भी लाइट सेक्शन ग्राफिक सेक्शन कुछ भी आपसे छूटे ना सो इसे टेली को ज्वाइन करो और फेसबुक में जाओ उसके रिव्यू देखो प्रैक्टिकल लाइव क्लासेस देखो उसके बाद हमें कॉल करो अगले दिन हमारा एडमिशन बुक करो और दोस्तों अब प्लीज़ इसमें देर मत करना क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है वो कहते हैं ना एसा टेलीकॉम कैन चेंज योर लाइफ बिल्कुल ज्वाइन करो एसा टेलीकॉम और चेंज योर लाइफ थैंक यू वेरी मच